धार की ऐतिहासिक भोजशाला की सर्वे को आज पूरा एक महीना हो गया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर एएसआई की टीम पिछले एक माह से निरंतर भोजशाला में सर्वे कर रही है। सर्वे को लेकर पहले मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष संतुष्ट थे। मीडिया के सामने भी दोनों ही पक्षों ने सर्वे को लेकर संतोष व्यक्त किया था, लेकिन शुक्रवार को नमाज के उपरांत शहर काजी बकार सादिक और मुस्लिम सदर अब्दुल समद ने सर्वे पर असंतोष व्यक्त किया। इधर हिंदू समाज ने एसआई की सर्वे टीम द्वारा की जा रही कार्रवाई को संतोषजनक बताते हुए कहा कि भोजशाला में अब तक जो भी सर्वे किया गया है या किया जा रहा है वह न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए हो रहा है। मुस्लिम पक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद सर्वे के दौरान जो भी मूर्तियां अन्य वस्तुएं निकल रही हैं उसकी गोपनीयता भंग करते हुए मीडिया को बता रहे हैं, जो न्यायालय के आदेशों की अब मानना है। आपको बता दें कि आज 30वें दिन एएसआई की सर्वे टीम सुबह 8 बजे भोशाला पहुंची। टीम में 22 अधिकारी कर्मचारी सहित 24 मजदूर शामिल हुए। आज एएसआई की टीम में कुछ नए अधिकारी भी शामिल हुए। सर्वे टीम को 28 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, लेकिन माना जा रहा है कि 28 अप्रैल तक सर्वे का कार्य पूर्ण होना संभव नहीं है। सेम एएसआई सर्वे को लेकर न्यायालय से और समय मांग सकती है। देखिए, सर्वे में जो रैली रूलिन के उनके जो काम थे वो किए गए। चूंकि आज शुक्रवार था तो 12 बजे तक उन लोगों ने सर्वे किया और 12 बजे तक भी एक पीछे की तरफ उन्होंने एक आज चूना एक लाइन डाली थी, उसमें फिर से 1.5 फीट आज माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए उन लोगों ने खुदाई की, जो हमारी बहुत बड़ी आपत्ति थी। और पिछले दिनों भी हमने आपत्ति वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष दी है, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ और वो लोग खुदाई पर खुदाई किए जा रहे हैं। तो इस संबंध में हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष जाएंगे और जो भी हमारे वकील इसमें हमें तर्क देंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। भोजशाला के अंदर भी इस तरह का कोई काम हुआ है? हाँ, पिछले 5 दिन पहले से जो उन्होंने ट्रेचिंग के नाम पर और स्क्रेचिंग के नाम पर उसमें करीब करीब 1.5 फीट खुदाई की है, उसमें से एक मूर्ति भी निकली है जो माननीय गौतम बुद्ध जी की है, तो उसको भी छुपाया गया। बहुत सारे साक्ष्य पहले भी इन्होंने जब खुदाई चली थी तो एक मानव शरीर का अंग खोपड़ी नुमा जो निकला था वो भी छुपाया गया, वो भी उसमें ऐड नहीं किया गया। तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें आदेश दिया है और खुदाई पर पूरी तरह रोक लगाई है, और खुदाई को ये कहते हुए रोक लगाई है कि मॉन्यूमेंट में किसी भी तरह का बदलाव या उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ या उसमें कुछ भी तरह का नुकसान हो ऐसी कोई खुदाई एएसआई द्वारा ना की जाए, लेकिन फिर भी वो खुदाई किए जा रहे हैं। तो इस समक्ष हम हमारे वकीलों के द्वारा कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और बहुत जल्द इसका आपको निराकरण बताएंगे जो भी होगा एएसआई के अधिकारियों। प्रतिमा के बारे में आपने कहा कि गौतम बुद्ध की है, तो उन्होंने बताया है या आपने अंदाज लगाया है कुछ और कहा? देखिए, हम एक हिंदुस्तानी नागरिक हैं और हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सर्वमान्य और सम्मान के साथ पालन होता है। तो चूंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि हिंदू समाज की कौन सी मूर्ति होती है, बौद्ध समाज की कौन सी मूर्ति होती है, दूसरे समाजों में क्या होता है, मुस्लिम समाज में कैसे प्रार्थना की जाती है, कैसे नमाजें की जाती है, सभी को सब चीज़ें मालूम है। ये एक आम चीज़ है, जनरल नॉलेज की बातें हैं। तो उस आधार पर मैंने जब उनसे सवाल किया तो उनका इस विषय में कोई जवाब नहीं था और हमने यही कहा कि जब दोनों पक्ष मौजूद है, दोनों पक्ष की मौजूद में कोई सब्जेक्ट की चीज़ निकली है तो आप उसे निकाल रहे हैं, तो उसको किस तरीके से ऐड करेंगे, उसको किस तरह से सर्वे में शामिल करेंगे, उसकी टाइमिंग कैसे ऐड की जाएगी, उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी किस तरह से ऐड की जाएगी, तो उस विषय में उन्होंने हमारे कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और अब तक नहीं दिया। और वरिष्ठ अधिकारियों का हवाला देते हुए वो रोज टाल रहे हैं और खुदाई पर खुदाई किए जा रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑब्जेक्शन रोज बढ़ता जा रहा है। और जो उनके डेली रूटीन के काम है उसमें हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, वो जो सर्वे करना चाहते हैं वो करें, लेकिन कोई ऐसा काम ना करे जिससे किसी की भावना आस्था को ठेस पहुंचे, क्योंकि करोड़ों मुस्लिमों का यहाँ की आस्था है और जब भी एक गेती चलती है तो करोड़ों मुस्लिमों के दिल पे वो गेती चलती है। क्योंकि हमारी बिल्डिंग है, हमारी मस्जिद है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी चीज़ यहाँ ना की जाए जिससे हमारी आस्था को ठेस पहुँचे। सामने वाला पक्ष इसमें आपत्ति क्यों नहीं ले रहा है, ये हमें अभी भी इसमें संशय है, क्योंकि अगर वो भी कुछ चीज़ अगर इसे मानते हैं, कोई चीज़ का ब्लेम करते हैं, तो उनको भी इस चीज़ में आपत्ति लेना चाहिए कि इसका स्वरूप ना बिगाड़ा जाए। क्योंकि अगर वो ये चीज़ रहेगी नहीं तो वो ऑब्जेक्शन और वो टाइटल कैसे मांगेंगे। इसलिए मेरा यही निवेदन है दोनों पक्षों से और सभी वरिष्ठों से कि इसमें सहयोग किया जाए और जो भी हो उसका हल निकाला जाए। बिल्डिंग तो एएसआई की संरक्षण की मानी जाती है, संरक्षण एएसआई के संरक्षण की बिल्डिंग है, तो दोनों पक्ष कहने की हमारी बिल्डिंग के इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि बहुत
पुरानी बिल्डिंग है और पुरातत्व का इस पर अधिकार है, ठीक है, वो अपनी जगह है, जो सम्मान के साथ जो कानून हमारा जो संविधान कहता है उसका हम पालन करते हैं और वो संरक्षित घोषित हो चुकी है तो वो संरक्षित रहे, लेकिन उसको उनको एसआई को जो जिम्मेदारी दी गई है वो एक तरह से एज ए चौकीदार की जिम्मेदारी दी गई है, मकान मालिक या बिल्डिंग मालिक की जिम्मेदारी ना दी गई है। इसी को लेके दोनों पक्ष कोर्ट में मौजूद है और कोर्ट में टाइटल डिसाइड के लिए जो याचिकाएं लगाई गई है वो भी एक तरह के अवैध है। जो तरीके होते हैं कोर्ट जाने के, वो कोर्ट जाने के तरीके से जाया जाता है, अगर वो उस तरीके से जाते तो हम लोग भी उस तरीके से उसको फेस करते, लेकिन वो चूँकि पिछले दरवाजे से एकदम से आए और अचानक से 5 फरवरी को उन्होंने एक आवेदन लगाया, उस आवेदन में मांग सर्वे की गई और 19 तारीख को बिना हमें सूचना दिए, बिना हमारे वकील को कोई नोटिस दिए उन्होंने उस पर बहस कर ली और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर आदेश भी एक पारित कर दिया 11 मार्च को। तो उस आदेश के तहत हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी गए और हमें वहाँ से बहुत बड़ी रिलीफ और राहत मिली है, लेकिन उसका भी ये उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए हम ये निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ इन चीज़ों का उल्लंघन ना किया जाए और जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए उस हिसाब से आप काम करिए और हमारा पूरा सहयोग लीजिए। अभी तक 1 महीना लगभग होने आया है, कितने प्रतिशत आप संतोष है आपको इस सर्वे के कार्यों से और कितना असंतोष है? देखिए जी, जी 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 मेरा ये कहना है कि जैसे उच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया था हमको सुनिए, हाँ, उच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया था उसके बाद हम जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष गए और उच्चतम न्यायालय ने जो गाइडेंस दिया है, जो गाइडलाइन दी है, उसके तहत ये लोग चल रहे थे तो हमारा पूरा सहयोग था और हम उससे पूरी तरह संतुष्ट थे, 110%। लेकिन कुछ दिनों में जो उल्लंघन किया है उन लोगों ने उससे हमारे दिल को ठेस पहुँची है और वो जो कोर्ट ऑफ कंडेम किया है उन्होंने उसके हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी सार्वजनिक तौर पर कि ये चीज़ें जो चली है कानून और कोर्ट के हिसाब से चले, आप कोर्ट ने आपको यहाँ भेजा है सर्वे करने, ना कि किसी समाज ने, आप कोर्ट के हिसाब से सर्वे करिए, आप आपका जिम्मेदारी समझिए और कोर्ट के आदेश का पालन करिए, बस ये। बिल्कुल जीरो हो गया। समद भाई, इसमें एक सवाल आखिरी मेरा ये है कि पहले दिन से ही खुदाई चल रही है यहाँ पर, आज 29 दिन हो गए हैं, पहले तो आप संतुष्ट थे, आप असंतुष्ट क्यों? नहीं, 1 तारीख तक तो हम उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गए थे और जब माननीय उच्चतम न्यायालय में उसमें कोई गाइडेंस दे दिया है तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर गाइडेंस कुछ दिया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो आप उसका पालन करिए, ऐसे तो फिर कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो कोर्ट को सर्वमान्य मानकर उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि हम 3-4 दिन से आपकी पिछले बाइट लिए, जब तक तो आप संतुष्ट थे। हाँ, तो जब तक खुदाई बंद थी, पिछले 10 दिन से खुदाई बंद थी, पिछले 3 दिनों से खुदाई की है उन्होंने और वो खुदाई करते करते 1.5 फीट नीचे उतरे हैं। अगर तो ये 1 महीने से मूर्ति है उसके पहले मिली, अगर एक पहले नहीं, अगर आप कह रहे हो 3 दिन, मंगलवार को मूर्ति मिली है तो आप जोड़ लीजिए 3 दिन अभी हुए हैं आज, उसको मंगलवार के 1 माह हो गया है, क्या कुछ उपलब्धियां जो निकल गई हैं बाहर? हाईकोर्ट के आदेश से जो पिछली 22 तारीख को सर्वे प्रारंभ हुआ था, आज 30वां दिन है, निश्चित 1 माह पूर्ण हुआ है और जो साक्ष्य सामने आए हैं निश्चित ही वे भोजशाला के गौरव की गाथा कह रहे हैं, साथ ही उन आक्रमणकारियों की के कर्मों का परिणाम भी सामने भोजशाला के उन साक्ष्यों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भोजशाला प्रथम दृष्टा में ही मंदिर है, यह तो हम सब ने आंखों से देखा कि मंदिर का रूप ही है, लेकिन मस्जिद में परिवर्तन करने का जो क्रम मध्यकाल में चला था उन्हीं सबसे प्रभावित होकर हिंदू समाज ने कई वर्षों से भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनर्स्थापना को संकल्प लेकर सतत संघर्षरत थे और 1952 से तो हमारे पूर्वजों ने महाराजा भोज समिति का गठन कर राजा भोज को, माँ वाग्देवी को और भोजशाला को जन जन तक पहुँचाने का जो प्रयत्न प्रारंभ किया था निश्चित ही उसमें हम कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। आज भोजशाला के बारे में हिंदू समाज जानने के लिए आतुर है, जिसके कारण आज पिछले दिनों हाईकोर्ट में जो पिटीशन दायर हुई है उसका परिणाम है कि आज भोजशाला का सत्य सामने आए, इसी को लेकर ये हमने पिटीशन दायर की थी और आज 30 दिन हो गए हैं, वो 30 दिन में जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं निश्चित ही भोजशाला अपने मूल रूप में पुनः प्राप्त होगी। इन 30 दिनों में ऐसे क्या क्या साक्ष्य है जिससे कहा जा सकता है कि भोजशाला वाकई में मंदिर है? हमने भी आपके माध्यम से सुना है कि समझ ने बताया कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा निकली है,
और कई ऐसे निकल रहे जो उसके बाद उनको लगता है कि ये सर्वे बंद होना चाहिए। अभी तक तो वो नहीं कह रहे थे, सर्वे में साथ दे रहे थे, लेकिन जब प्रतिमा निकली है तो निश्चित ही, क्योंकि हम तो हिंदू धर्म के हैं, बुद्धस्तता हर नीति बौद्ध जैन सत श्री काली तिच सिख संत शास्त्रेति के चित सतीश कुमार स्वामी ति माते पिते भक्त। हम तो प्रातः स्मरण में भी हमारे हिंदू धर्म के सारे पंथों को स्मरण करते हैं। तो सनातन धर्म में, तो सनातन धर्म राजा भोज के काल में सारा सनातन धर्म पल्लवित था, तो हम तो सनातन धर्म की मानते हैं। उन्होंने बौद्ध कहकर के एक नया इशू चालू करने का प्रयत्न किया, हिंदू समाज को बांटने का प्रयत्न किया है, और ये उसमें कभी सफल नहीं होंगे। भाई साहब, लगातार कहा जा रहा है कि खुदाई गौशाला के अंदर नहीं होना चाहिए, गौशाला के अंदर खुदाई बोली उत्खनन हो रहा है, भ्रमित भी किया जा रहा है, क्या वाकई में खुदाई बोली कितनी? हाई कोर्ट ने जिन जिन शर्तों के आधार पर सर्वे का आदेश दिया है उन शर्तों के पालन करते हुए सारी चीज़ें हो रही है। जहाँ आवश्यकता लगी वहाँ खुदाई भी हो रही है, बगैर उसके ज़मीन के अंदर जाए बगैर कैसे पता पड़ेगा कि गौशाला की बिल्डिंग की उम्र क्या है? तो उस खुदाई में निश्चित ही सारे साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं, और उन साक्ष्यों के डर से ही शायद वो उनको अब लग रहा है उनका उनके खुदा पर भरोसा नहीं है, उस खुदाई से ज़्यादा भरोसा हो गया कि अब शायद कहीं हमारा असली सच सामने ना आ जाए। गौशाला को लेकर मिस्ट्री बताया जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि मस्जिद की भी खुदाई होना चाहिए। देखिए, वो बार बार कहते हैं कि राजा भोज एक मिस्ट्री है, गौशाला एक जाँच का विषय है, पर जाँच का विषय क्या है ये उनको पता होना चाहिए कि यहाँ जाँच, हम भी चाहते हैं जाँच का विषय, इसलिए तो हाई कोर्ट गए हैं, और वह जाँच जारी है हमारे कहने पर जारी है। आपको लगता है कि ये मिस्ट्री है, जाँच का विषय है, तो जाँच हो रही है, सहयोग करिए आप। लेकिन बार बार कहते हैं कि हम 13वीं शताब्दी से यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं साहब, लेकिन बता दूँ कि 1935 में पहली बार इन्होंने राजा की दुआ के लिए, बीमारी की दुआ के लिए उन्होंने दुआ की परमिशन मांगी थी, और वो भी मौखिक थी शायद, कोई स्वीकृति लिखित में कोई स्वीकृति नहीं है। इन्होंने उस दुआ को कब परंपरा बनाने का प्रयत्न किया, और जब परंपरा बनाने का प्रयत्न किया तो हिंदू महासभा आर्य समाज के लोगों ने उसका विरोध किया, विरोध करने पर तत्कालीन राज शासन ने इनकी नमाज, इनकी जो भी दुआ चल रही थी उसको प्रतिबंधित किया, और इनकी नमाज का जो सामान था, चटाई बाल्टी लोटा और 5 वक्ती नमाज की जो घड़ी होती है, इनकी 5 वक्ती घड़ी, नमाज घड़ी, वो घड़ी जब तक की वो कई आवेदन निवेदन और माफ़ी नामा लिखने के बाद यह सामान मुक्त किया। यह रिकॉर्ड तो शायद काजी जी के परिवार में भी होगा और शासन के रिकॉर्ड में भी है। इसके पहले ये नमाज पढ़ते थे फूटी मस्जिद, जो जवाह बख्तर बाग पर बोरा कब्रस्तान के सामने मस्जिद बनी हुई तालाब किनारे, वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। कभी गौशाला में नमाज पढ़ी नहीं गई, ना अभी ना मुग़ल काल में, तो भी यह मस्जिद कैसे? लेकिन चूँकि उस परंपरा को उसके बाद 37 के बाद उन्होंने 42 तक महाराज परिवार से निवेदन करते रहे होंगे, तब इनको 42 में बख्तर मार्ग पर जो पराग होटल के सामने एक मस्जिद जो हेला समाज की थी, हेला समाज को उसके बदले में नालछा दरवाजे की तरफ मस्जिद बना के उनके रिवाज के स्थान बनाया, और वो मस्जिद धा के मुसलमानों के लिए नमाज के लिए दी गई। तो राजा की रहमत, इसलिए उस मस्जिद का नाम रहमत मस्जिद है, वो बना के दी। यहाँ कभी भी नमाज नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक तुष्टिकरण के तहत सेकुलरिज्म के कारण, मुस्लिमों को तुष्टिकरण की नीति के तहत वोटों की राजनीति के कारण भोजशाला में 80 के आसपास कब भी नमाज प्रारंभ हुई उसका कोई रिटर्न में नहीं है। उसके बीच में इन्होंने कोर्ट में पिटीशन भी दायर की थी अमरुद्दीन ठेकेदार के नाम से, जिसमें स्पष्ट जवाब मिला है कि माँ का मंदिर है जहाँ 1 वक्त क्या 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं है। तो ये सारे रिकॉर्ड मौजूद है कि वहाँ का मंदिर है। 1902 के सर्वे में इसको गौशाला मंदिर, गौशाला घोषित किया गया। तो ये सारे चीज़ सामने सच है, केवल सच्चाई सच सामने आता है तो ये उनकी कुंठा कह ले, ये उनको डर कह रहे कि जो चीज़ हमारे हाथ में थी कहीं निकल ना जाए, इसलिए शायद वो कल जो उन्होंने बयान दिए शायद उनकी कुंठा थी, कहीं डर था। निश्चित सच सामने आना चाहिए, और भोजशाला निश्चित ही सर्वे के बाद भोजशाला अपने गौरव को पुनः प्राप्त करेगी। राजा भोज के काल में भोजशाला का जो स्वरूप था वो स्वरूप पुनः स्थापित होगा, ऐसी आशा है। भाई साहब, कमाल मौलाना मस्जिद और भोजशाला का आपस में क्या कनेक्शन? देखिए, सही कहा आपने कि जांच का विषय भोजशाला नहीं, कमाल मौलाना है, क्योंकि उन्होंने ही बताया। हमें तो पता था कि, मैं तो कहता था कि ये कमाल मौलाना दरगाह है, ये इसके नीचे कमलनाथ जी की समाधि है, लेकिन जब पता, उन्होंने कहा कि ये नीचे तलघर है, तो असली मज़ार वहाँ पर है,
अगर असली मजार समाधि यहाँ पर है कमाल मौलाना की, तो अहमदाबाद में जामी मस्जिद के पास में जो मजार बनी कमाल मौलाना की, वो कौन है? क्योंकि 1310 में अहमदाबाद में जाके मरे, तो वहाँ पर उनकी समाधि है। तो अब जांच का विषय ये होना चाहिए कि असली वहाँ पर है कि तलघर में है कि ऊपर है। एक व्यक्ति तीन जगह तो नहीं दफन हो सकता। तो जांच का विषय ये है कि कमाल मौलाना की जांच होना चाहिए। वो कमाल मौलाना के अंदर जाएंगे तो जो प्रतिवादी क्रमांक 8 द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार एक बात बोली जा रही है कि भोजशाला में एक मूर्ति निकली है। हमारा ये कहना है कि इस तरीके की जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बातें हैं, भोजशाला के सर्वे की गोपनीयता भंग करने वाला ऐसे विषय है। आप ASI के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि न्यायालय के निर्देशों की अवमानना आप स्वयं कर रहे हैं। भोजशाला में जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो रहा है, उसके डिस्क्लोज़र के बारे में, उसके एक्सप्लोज़र के बारे में ASI के द्वारा ही कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन लगातार ये बोलना कि यह आकृति एक मूर्ति है और वो इन देवता की है, इन भगवान की है, यह न्यायालय की अवमानना है, गोपनीयता भंग करने का विषय है। यदि आप सत्य जानकारी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कोर्ट के दोषी हैं, और यदि आप असत्य जानकारी दे रहे हैं तो ये समाज में, प्रशासन में, मीडिया में जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, असत्य जानकारी फैला रहे हैं। जिला प्रशासन को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि कुल मिला के सत्य क्या है। आशीष गोयल, याचिकाकर्ता, भोजशाला प्रकरण धार। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।